तो राम राम सभी भाइयों ने, और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हमारी जो चैनल हैगा उस पर बुलेट नोटिफिकेशन की वीडियो अपलोड होती रहती है। तो आज की वीडियो में हम गिव अवे भी करेंगे, बिकॉज आपकी कृपा से, आप सभी दुआ से हमारे चैनल पर आज 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, जिसकी छोटी सी खुशी में हम गिव अवे रखा है इस चीज़ का। अभी वीडियो देखोगे आप पूरी तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ रखी हुई है। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में छाप के ये बताना होगा कि आपकी जो रॉयल इनफील्ड हैगी उसके प्रति आपकी विचार और अभिव्यक्ति क्या है। तो आपको अपने भाव प्रकट करने होंगे। जिस भी भाई का मेरे को कमेंट अच्छा लगेगा, मैं उस भाई से कॉन्टैक्ट करके उसके घर तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिलीवर होएगा। ठीक, तो ये है हमारा क्रोम पाउडर या निकल पाउडर जिसको हम बोलते होंगे। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक कटोरी लेनी पड़ेगी, एक बाउल, और इसमें थोड़ा सा पानी। अभी मैंने सिर्फ आपको करके दिखाना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया है। ठीक है, और इसका जो यूज़ हैगा वो मैं बता दूँ। अगर आपने न्यूली परचेज़ कोई बाइक ली है उसको आपको मेंटेन करके रखना होता है, नया नया शौक रहता है आप सभी का। तो इसका काम जो है वो आपके जो क्रोम पार्ट्स हैंगे उनकी शाइनिंग को बरकरार रखना है। और इसकी वजह से जो हमारे जो क्रोम पार्ट्स जितने भी हैंगे या आपके स्पोक व्हील्स हैंगे, मैंने तो एलोई व्हील लगवाई इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। आपके स्पोक व्हील्स है तो आप उसको वहाँ भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसकी वजह से कभी भी आपकी जो शाइनिंग हैगी वो डल नहीं होगी, और जो रस्ट हैगा आपका सारे पार्ट्स रस्ट फ्री रहेंगे। तो इसको मैं आज साइलेंसर पर अप्लाई करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे इसको अप्लाई करना होता है और कैसे इसको रिमूव करना होता है। सारी बात आज की वीडियो में जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अपनी बाउल में हम थोड़ा सा क्रोम पाउडर जो है हम डाल लेंगे, और एक आपको क्लॉथ लेना पड़ेगा इसके लिए, जिससे आप इसको अप्लाई करोगे। तो अभी मैं दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है डाल लेता हूँ। इस तरीके से आपको इसका पेस्ट बना लेना है, ना ज़्यादा जो है आपको लिक्विड रखना है और ना ज़्यादा हार्ड। तो इस तरीके से आपका जो ये पेस्ट बन गया, आप इसको या तो क्लॉथ की मदद से या आप बाय हैंड ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो ऐसे करके। निकल पाउडर लगाए हुए हमको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और अब ये सूखना स्टार्ट हो चुका है। और इसी दौरान जो है हम ड्राई क्लॉथ लेकर इसको जो है हम रब करेंगे, और साथ में आपका जो भी रस्ट पार्टिकल या जो आपकी डलनेस होगी वो आपकी रिमूव होती जाएगी, और जो आपका पार्ट शाइनिंग उसमें आती जाएगी। Thank you.